आज किसमिस का क्या करूं? हे गाइस, वेलकम टू चंदा दी रसोई नवरात्रि स्पेशल। आज मेरा थर्ड डे का खाना बन रहा है, तो मैं देखिए ये बासमती राइस मंगवाई हूँ बिग बास्केट से। बहुत छोटी छोटी दाने, बहुत अच्छी है। गोविंद भोग राइस है ये, तो ये ली हूँ। जीरा और हींग तेल में डाली हूँ, मस्टर्ड ऑयल में। तो आज हमारे किचन में बन रही है बिना लहसुन बिना प्याज का नवरात्रि स्पेशल शाही आलू दम। आलू का क्या करूं? आलू दम बना रही हूँ सर, और इसे मैं पूरा पीस के इसमें डालूंगी, उसे ही पीस कर देगा। देखिए टमाटर, अदरक, जीरा और गरम मसाला, धनिया, मिर्चा, हल्दी, नमक सारे कुछ डाल के मैं भून देती हूँ। बन रही है गोविंद भोग राइस, मैं बिग बास्केट से मंगाई हूँ। और इधर हमारी तूर की दाल चढ़ी हुई है। एक बड़ा चम्मच काजू, मखाना, बादाम का पेस्ट डाल दी। स्किन को हटा के मैं प्यूरी बना लेती हूँ। या तो गाइस ये हमारा नवरात्रि थर्ड डे का देखिए रेसिपी बना है। डिनर की मैं रेसिपी लेके आई हूँ, तो मैं राइस बनाई हूँ। ये मैं बिग बास्केट से मंगाई थी गोविंद भोग राइस, बहुत छोटी छोटी दाना और बहुत सारे स्मेल, और एक मिर्च इस पर रख दी हूँ। और ऊपर से मैं इसमें भी थोड़ा सा घी डाल देती हूँ एकदम। ये देखिए घी रख दी हूँ, और ये हम तूर की दाल आज बनाए हैं। और ये टमाटर और चुकंदर का रायता बनाए हैं। और ये हमारी आज की रेसिपी बहुत अच्छी बनती है, आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा फ्रेंड, मेरे स्टाइल में। और बताइए कि आपने, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो ये शाही आलू दम देखिए मैं ऊपर से डेकोरेट भी कर दी हूँ। ये सारे मैं भून के रखती हूँ अपने रेसिपी में डालने के लिए। कल मैं इससे चटनी भी, पकौड़े बनाऊँगी, आप देखिएगा मैं कैसे बनाती हूँ। तो अगर आपको हमारी आज की नवरात्रि स्पेशल थर्ड डे की रेसिपी अच्छी है तो लगी हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल चंदा दी रसोई 24। दुआ में याद कीजिएगा। हैप्पी नवरात्रि माई ऑल व्यूअर्स, और फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।